स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कंप्यूटर साइंस का, जिसमें सेकंड चैप्टर का क्या नेम था, डाटा टाइप्स असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम आज उसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पर अच्छे तरीके से समझ कर याद कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द यूज ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटर्स की डेफिनेशंस को पहले डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डेटा। वो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है सर्टेन ऑपरेशंस के तौर पर, किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। डाटा फॉर एग्जांपल ए बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ऑपरेटर यूज कर लिया। तो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं, हम डिस्कस करते हैं, यानी कि हम यूज करते हैं सर्टेन ऑपरेशंस को डाटा के ऊपर। ऑपरेटर्स सिंबल होते हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला उसकी जो टाइप्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की डेफिनेशंस को जरा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक मैंने डेफिनेशन पहले लिखी नहीं थी, तो डेफिनेशंस को मैंने इधर लिख दिया। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स में लास्ट पॉइंट्स कौन-कौन सी, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन-कौन सी होती है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है। प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यानी कि अरिथमेटिक में जो इससे रिलेटेड है, हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसमें ऑपरेटर्स आते हैं जो कि डिवीजन, एक्सपोनेंट और डिविएशन, मॉडुलस और इंटीग्रल, इंटीग्रल डिवीजन में भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। मैंने आपको बता दिया किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बेस पर टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, नंबर्स पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन को हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म, किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं ऑपरेशंस को देखते हैं। ऑपरेशंस में क्या क्या है, सबसे पहला ऑपरेशन एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, एक्सपोनेंट का है, निगेशन का, मॉडुलस का, इंटीग्रल, डिवीजन। अब यहां पे मेरे पास इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स फेमिलियर हो जाएं कि कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, वो उनको लिख सकें। सिंबल्स जिस तरह से एडिशन का आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है, वही सिंबल होता है। उसके बाद माइनस सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल में हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कैरी का सिंबल यूज होता है जो कि मल्टीप्लाई करता है। क्या होता है, कैरी का सिंबल यूज होता है जो कि मल्टीप्लाई करवाता है। अब डिवीजन सिंबल एवरेज स्टूडेंट जो सिंबल यूज होता है, एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर, इस तरह का सिंबल होता है, सर कैलकुलेटर पे भी बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी सिंबल बना होता है। निगेशन से मतलब माइनस का निगेशन। उसके बाद मॉडुलस, मॉड यूज होता है आपके कैलकुलेटर पे भी होता है। इंटीग्रल डिवीजन, ये इसी तरह से डिवीजन, इंटीग्रल डिवीजन से। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सिंबल से फेमिलियर हो गए होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कौन कौन से सिंबल हैं। उसके बाद इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनती है, हर किसी ना किसी ऑपरेटर्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। तो स्टूडेंट्स वो क्या बनती है, एडिशन की ए प्लस बी, ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की ए मल्टीप्लाई बाय बी, डिवीजन की ए डिवीजन बी, इसी तरह का सिंबल। और एक्सपोनेंट का ए एक्सपोनेंट एम। उसके बाद निगेशंस का, निगेशंस अगर आप कोई भी ए बी सी वेरिएबल है उसमें मैंने माइनस का साइन पहले लगा देना है। और उसके बाद मॉडुलस का ए मोड बी ही लिखा जाता है, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में मोड का सिंबल बना होता है। उसके बाद इंटीग्रल डिवीजन का ए इंटीग्रल डिवीजन बाय ए इंटीग्रल डिवीजन बी, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी बनी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी बेसिक एक्सप्रेशन जो कि बेसिकली तौर पर यूज होती है, वो भी सेम टू सेम इसी की तरह की है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टू वेरिएबल्स के दरमियान जब कॉम्बिनेशन होता है तो बेसिक एक्सप्रेशन क्या आइडेंटिफाई करती है, तो वो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई की जगह ए स्टैरिक बी, अलजेब्रिक में तो मल्टीप्लाई आता है लेकिन हमारी बेसिक में स्टैरिक आ जाएगा। उसके बाद ए डिवीजन बी, उसके बाद ए एक्सपोनेंट, ए एक्सपोनेंट बी, यानी कि जिसमें बी का एक्सपोनेंट ले,
एक एक्सपोनेंट है जिसकी बी का पावर है, माइनस ए इक्वेशन आ गया, दीजिए आ गया ए मॉडुलस बी, उसके बाद इंटीग्रल में उसी फॉर्म में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैथमेटिक ऑपरेटर्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसके ऑपरेटर्स की टाइप्स है, यानी कि हाफ क्वेश्चन मैं अपनी इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, जो सेकंड हाफ होगा वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। अभी स्टूडेंट्स हमें यहां पे पता लग रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या कंपेयर करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स, इट प्रोड्यूसेस वैल्यूज 1 इफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू, इट प्रोड्यूसेस वैल्यूज 0 इफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे ये पता लगा कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास दो वैल्यूज इस्तेमाल होती है, ए और बी, दो वैल्यूज इस्तेमाल होती है। आपके ऑपरेटर किस क्या चीज को एवलुएट करवाता है, कि क्या चीज को एवलुएट करवाता है, कि ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को एवलुएट करवाता है, जिसमें मेरे पास ट्रू और फॉल्स की कंडीशन, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन मेरे पास क्या आ रही है, अगर मेरे पास कोई वैल्यू अगर 1 आए, अगर इट प्रोड्यूसेस वैल्यू 1, अगर कोई वैल्यू प्रोड्यूस करे 1, तो रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू होगी। यानी कि इसको इस सिस्टमैटिकली फॉर्म के अंदर सेट किया जाता है कि रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो उसके बाद इट प्रोड्यूसेस वैल्यूज वैल्यू, इट प्रोड्यूसेस वैल्यू 0 इफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज फॉल्स। वो कह रहा है स्टूडेंट्स अगर प्रोड्यूस वैल्यू करे 0 तो आप लोगों की रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। अब फॉल्स कब होगी, अभी यहां पे ट्रू और फॉल्स की कंडीशन चल रही थी, अगर 1 होगी तो ट्रू होगी और अगर 0 होगी तो क्या होगी, एक्सप्रेशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इसके स्टूडेंट बेसिक 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। हम 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं, वो कौन-कौन से हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर है जो सिंबल में लिखा हुआ है इक्वल का, यानी कि इक्वल का इक्वल टू इसको बोलते हैं, वैसे इक्वल टू इसका सिंबल मैंने स्टूडेंट बता दिया है। अब इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है, तो स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्रेशन मेरे पास a इज इक्वल टू b बनती है, ये मैंने एक्सप्रेशन भी बता दिया है। पूरा आपके ऑपरेटर ऑपरेशन लिखते हैं स्टूडेंट, मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंबल लिखे हैं, ऑपरेटर ऑपरेशन नहीं लिखे। ऑपरेशन जो मैं बता रहा हूँ आप लोग कॉपी पेंसिल निकाल लें, पेंसिल और कॉपी, यानी कि पेन और कॉपी निकाल लें, नोट्स निकाल लें, उसमें स्टूडेंट्स आप मेंशन करते जाएं। अब इक्वल टू ऑपरेशन है जिसका सिंबल मेरे पास ये है इक्वल का सिंबल, और इसकी एक्सप्रेशन क्या बन रही है, ए इज इक्वल टू बी। उसके बाद लेस देन का सिंबल मेरे पास, अब ये कौन सा है ऑपरेशन मेरे पास कौन सा है, लेस देन का है। अब सिंबल भी आ गया, लेस देन का सिंबल भी आ गया, उसके बाद बी लेस देन ए, बी लेस देन ए, बी लेस देन ए, कोई भी ए लेस देन बी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन में बी ग्रेटर देन है ए, कोई भी एक्सप्रेशन मैं बना सकता हूं। उसके बाद स्टूडेंट लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ये मेरे पास ऑपरेशन है और इसका सिंबल मैंने बता दिया लेस देन और इक्वल टू। अब इसका ए लेस देन इज इक्वल टू बी इस फॉर्म में बन सकता है, और स्टूडेंट्स ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, इसमें ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। अब ये डबल कौन सा सिंबल है, नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू ऑपरेशन है, नॉट इक्वल टू पर मैंने सिंबल डाल दिया है। अब यहां पे नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, तो स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्रेशन भी आ गई। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर मेरा समझ लग चुका होगा, तो आप लोगों ने इसे इसकी डेफिनेशन को लर्न करना है और इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है लर्न करके। तो मुझे मेरी